हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आज का जो एमपी पटवारी का जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके कुछ हमें जीके के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन मिले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगर मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि फुटबॉल प्रीमियर लीग 2016 में कौन सी सिटी जीती। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि न्यू पेज ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है। तो न्यू पेज ओपन करने के लिए उसकी शॉर्टकट जो की होती है वो होती है Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कमर्शियल सेंटर कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश में कमर्शियल सेंटर है इंदौर में। अगला है मनरेगा योजना में मेहताना कितने दिनों में मिलता है। तो ये 150 दिनों में मिल जाता है। अगला, किसान स्वास्थ्य योजना किससे संबंधित है। तो किसान स्वास्थ्य से योजना संबंधित है किसान से, किसान की जो बीमा पॉलिसी होती है उसके लिए संबंधित है। ये अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन में था ये ए हो जाएगा। एक प्रश्न जो आया था दोस्तों अलंकार से आया था। और जो एक क्वेश्चन था कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। एक क्वेश्चन था कि अयादि संधि स्वर संधि का उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधियां जो प्रकार की होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। अगला, मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री कौन है। तो मध्य प्रदेश में जो कृषि मंत्री हैं वो हैं गौरी शंकर बिसेन। एक क्वेश्चन था उमरिया नेशनल पार्क से संबंधित। तो दोस्तों, पार्क से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे पार्क होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1024 GB किसके बराबर होती है। तो वो होती है 1 TB के बराबर। अगला है, MS वर्ल्ड का एक्सटेंशन क्या होता है। तो MS वर्ल्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो .doc होता है। अगला है, Ctrl+U शॉर्टकट की का प्रयोग क्या होता है। तो Ctrl+U का शॉर्टकट की प्रयोग होता है अंडरलाइन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि PDC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PDC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। एक क्वेश्चन आया था कि IP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का है कि Ctrl+N की का प्रयोग MS वर्ड में क्या होता है। तो वो होता है क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए होता है। एक क्वेश्चन था कि Ctrl+Shift++ की का प्रयोग MS Excel में क्या होता है। तो वो हो जाएगा ओपन द इंसर्ट डायलॉग टू इंसर्ट ब्लैंक सेल, इसके लिए होता है। एक क्वेश्चन था कि MS Excel में कितनी रो व कॉलम होती हैं। तो रो जो होती हैं 65,556 होती हैं और कॉलम होती हैं 256। अगला, कालिदास का संबंध किस जगह से है। तो कालिदास का जो संबंध है वो है उज्जैन से। एक क्वेश्चन आया था कि अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने 2017 में संन्यास ले लिया है। तो वो हो जाएगा आशीष नेहरा। अगला, मध्य प्रदेश में सबसे पहले चुनाव कब हुए थे। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले चुनाव हुए थे 1957 को। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है। तो इनमें से स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव भी है, हार्ड डिस्क है और भी एक थी ऑप्शन में था वो था। अगला, मांडू के पास कौन सा एयरपोर्ट है। तो मांडू के पास एयरपोर्ट है इंदौर। तो दोस्तों, एक ऑप्शन जो था वो था CD। ये तीनों पेन ड्राइव है और अगला ऑप्शन था कि ये सभी। तो ये सभी सारे ये स्टोरेज डिवाइस हो जाएंगी। एक क्वेश्चन आया था कि NI के अध्यक्ष कौन बने। तो NI के अध्यक्ष बने बाईसी मोदी। अगला है, घनश्याम में कौन सा समास है। तो घनश्याम में है बहुबरी समास।
अगला क्वेश्चन आया था कि राधा कृष्णा को कैसे लिखेंगे, तो राधा कृष्ण को लिखेंगे राधा और कृष्ण। अगला, माधवगढ़ किला कहाँ है, तो माधवगढ़ किला है मांडू में। एक क्वेश्चन था कि एमएस एक्सेल में F2 का प्रयोग क्या होता है, तो वो होता है एडिट द सिलेक्टेड सेल के लिए। अगला, जिला पंचायत का निरीक्षण कौन करता है, तो वो हो जाएगा CEO। अगला, सूचना का अधिकार कब आया था, तो ये आया था 22 अक्टूबर 2005 को। अगला, मांडवगढ़ किला कहाँ पर है, तो ये धार में है। तो फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन को रिपीट हम लोग कर लेते हैं जो कि आज पूछे गए। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, फुटबॉल प्रीमियर लीग 2016 में कौन सिटी जीती, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन है, न्यू पेज ओपन की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+N। अगला, MP में कॉमर्शियल सेंटर कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा इंदौर। अगला, मनरेगा योजना में मेहनताना कितने दिनों में मिलता है, तो ये 150 दिनों में मिलता है। अगला, किसान स्वास्थ्य योजना किससे संबंधित है, तो ये किसान से संबंधित है। अगला, इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है, तो ये हो जाएगा ए। अगला, एक क्वेश्चन आया था अलंकार से, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये क्वेश्चन था, तो हो जाएगा शोक। आयादि संधि का एक उदाहरण दीजिए, ये क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संधि कितने प्रकार की होती हैं, ये होती हैं 3 प्रकार की। अगला, मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री कौन है, तो ये हो जाएगा गौरी शंकर बिसेन। एक क्वेश्चन उमरिया नेशनल पार्क से आया था। अगला क्वेश्चन था कि 1024 किसके बराबर होता है, तो 1024 GB किसके बराबर होता है, 1 TB के। अगला है, एमएस वर्ल्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .doc। अगला, Ctrl+U शॉर्टकट की का प्रयोग क्या होता है, अंडरलाइन के लिए। अगला, PDC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। एक क्वेश्चन था कि IP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला, Ctrl+N की का प्रयोग एमएस वर्ड में क्या होता है, तो क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट के लिए प्रयोग होता है। एक क्वेश्चन था कि Ctrl+Shift++ की का प्रयोग एमएस एक्सेल में क्या होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ओपन द इंसर्ट डायलॉग टू इंसर्ट ब्लैंक सेल। अगला, एमएस एक्सेल में कितनी रो व कॉलम होती हैं, तो 65 556 रो होती हैं और 256 कॉलम होती हैं। अगला, कालीदास का संबंध किस जगह से है, तो कालीदास का जो संबंध है वो उज्जैन जिले से है। एक क्वेश्चन था कि अभी हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2017 में संन्यास लिया, तो वो हो जाएगा आशीष नेहरा। अगला, मध्य प्रदेश में पहले चुनाव कब हुए थे, तो 1957 में हुए थे। एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, तो ये हो जाएगा पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और CD। अगला, मांडू के पास कौन सा एयरपोर्ट है, तो वो इंदौर का एयरपोर्ट है, इंदौर एयरपोर्ट। एक क्वेश्चन था कि NI के अध्यक्ष कौन बने, तो बाईसी मोदी बने। अगला, घनश्याम में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा बहुवरी समास। अगला, राधा कृष्ण को कैसे लिखेंगे, तो राधा और कृष्ण लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आया था कि माधवगढ़ किला कहाँ है, तो ये हो जाएगा मांडू में है। अगला क्वेश्चन था कि एमएस एक्सेल में F2 का प्रयोग क्या होता है, तो एडिट द सिलेक्टेड सेल के लिए होता है। जिला पंचायत का निरीक्षण कौन करता है, ये क्वेश्चन था कि CEO करता है। अगला, सूचना का अधिकार कब आया, तो 12 अक्टूबर 2015 में आया था। अगला, मांडवगढ़ किला कहाँ पर है, तो ये धार में है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।